बेगूसराय शूटआउट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 2 किलोमीटर तक बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई लोगों को घायल कर दिया। वहीं एक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अब एसपी का बड़ा कार्रवाई, क्योंकि मुख्यालय में हड़कंप मच गया बेगूसराय को लेकर, और बेगूसराय जिला इस वक्त चर्चे में है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, और उसका साफ कहना है कि गश्ती में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं एसपी साहब। सर, किस तरह से घटना घटी है और क्या मामला सामने निकल रहा है? आज हम लोग को सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में, 4 विभिन्न थानों में कुछ कुछ स्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है, और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे ज़िले में, उन्होंने नाकेबंदी कर दी है, और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है। तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है, सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट कराया जा रहा है। सर, किस तरह का ये अपराधी पहचान हुआ है, कौन लोग थे, सीसीटीवी में फुटेज? देखिए, जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं, और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूँ। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं। और हमारे जो पड़ोस के ज़िले हैं, हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं, और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए, और हम लोग सभी जगहों पर इनकी रेड्स करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। जो भी लोग घायल थे उनका इलाज कराया जा रहा है। कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि उनको जहाँ गोली लगी थी उसमें इलाज होकर वो लोग घर भी चले गए हैं, और जिनका थोड़ा सा ज़्यादा है उनको भी हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अब हम लोग का पूरा ध्यान जो इस पर है कि ये 2 व्यक्ति, उन्होंने ऐसी घटना क्यों की, और वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए हैं, और कौन सी मोटरसाइकिल उन लोग ने प्रयोग की, अब उसका हम लोग पता लगा रहे हैं। हथियार किस तरह का था? देखिए, एक डॉक्टर से हमने बात की है, तो उन्होंने पिस्टल या कट्टा, यही 2 चीज़ें बोली हैं जो जनरली क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में पता चला है। सर, परिजनों के द्वारा NH-28 को जाम किया गया, क्या इन लोगों को क्या मांग है? इन लोगों की मांग यही है कि थोड़ा सा उनको मुआवजा दिया जाए। तो मैंने उनसे बात की है, हम लोग की पुलिस की टीम CO BDO के थ्रू भी हम लोग बात कर रहे हैं, और उसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। देखिए अभी हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं, बट संभवतः प्रथम दृष्टि हमको ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के लिए घटना की गई है, और किसने की है, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या था, इस बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, और उनको पकड़ने के बाद ही हम बताएंगे। सोशल मीडिया पे लगातार कहा जा रहा है कि कई लोगों बोले, लेकिन अभी प्रथम दृष्टि में कितने लोगों की पुष्टि हुई है, क्या आपकी तरफ? देखिए, इसमें 10 लोगों की पुष्टि हुई है, और 10 जिसमें से 9 को गोली लगी है, इनका इलाज हो गया है, कुछ लोग घर भी चले गए हैं। एक को गोली जो उसको पीठ पे लग गई थी, उस कारण से उसकी मृत्यु हो गई है। और ये जो जानकारी हमने बेगूसराय पुलिस का जो लोकल मीडिया ग्रुप है उस पर भी डाल दिया है, और आप लोगों को भी शेयर कर दिया है। तो आपने देखा कि बेगूसराय मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिर गई है। मुख्यालय में हड़कंप मचने के बाद इस शूटआउट मामले में 7 पुलिस कर्मियों को दोषी करार देते हुए निलंबित कर दिया है, और उन पे कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया, और कहा जा रहा है कि गश्ती में लापरवाही बरतने के कारण इन 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है।